में आपने पढ़े ही होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में, और बात कर रहे हैं संतोष जोशी की, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले सलिल और मैं जिक्र कर रहे थे कैसे हमने भी एक पास्ट लाइफ किया है। सलिल बेचारा इसी लाइफ में अटक गया था। हाँ यार, मैं 5 ईयर से पहले जा नहीं पाया, बहुत रोया था, लेकिन ठीक है, मजा आया, अच्छा सोया भी था मैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में सो जाता था। संतोष जोशी जी जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इस वीकेंड आपके लिए स्पेशल कार्यक्रम रखा है इससे ही जुड़ते हुए। संतोष, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में इतनी चर्चा आजकल क्यों हो रही है? देखिए क्या होता है अर्चना, कि हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी जिंदगी परेशानियों से भरी हुई है और हम सब चीजों का हल जानना चाहते हैं। हम ये जान नहीं पाते कि ये सारी चीजें आ कहाँ से रही हैं, इनका रूट कॉज कहाँ है। हर मेमोरी के साथ उस दौरान जो हम इमोशंस एक्सपीरियंस करते हैं जी, वो इमोशंस भी इस मेमोरी के साथ जाके अटैच हो जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रहे हो। ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स, इश्यूज, सिचुएशंस का रूट कॉज बन जाते हैं। डॉक्टर ब्रायन वीज करके एक ऑथर है, उनकी बुक्स पढ़ने के बाद में समझी कि अमेरिका में भी इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है लोगों की फिजिकल पेन को दूर करने के लिए। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जब आपने अपने पेशेंट को देखा? एक आपको किस्सा बताता हूँ कि एक शख्स थे जिनको एंगर का इश्यू था, तो उनका जब हमने रिग्रेशन किया तो ऐसी मेमोरी में गए, वो 200 साल पुरानी मेमोरी थी, जहाँ पर वो राजस्थान में एक लेडी लड़की से 16 साल की उम्र में उस लड़की की शादी हुई थी एक बुजुर्ग आदमी से, और कुछ महीनों बाद शादी के वो बुजुर्ग आदमी जो है वो चल बसा। पूरा गाँव जो है उनके क्रिमेशन के लिए वहाँ पे इकट्ठा हुआ। शी वॉज फोर्स्ड टू सिट ऑन द फ्यूनरल फायर। उस समय सती प्रथा काफी जोरों पर थी और इस लड़की को उस समय जला दिया गया था। तो उनको ये मेमोरी में दिखा कि जब वो जल रहे थे तब उनको पूरे गांव के लिए इतना ज्यादा गुस्सा था, और मरते समय जब हमें वो जो भी इमोशंस होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं इस लाइफ में, उनका अनफाउंडेड एंगर की तरह बार बार उनके जहन में आता था, उनको समझ में आता था कहाँ से आ रहा है। एक बार ही उन्होंने ये लाइफ टाइम देखी तो उसके बाद असर क्या हुआ इसका? री लिविंग इज रिलीविंग। और जैसे पानी का बबूला होता है, अगर कोई बबल, एयर बबल है, नीचे से पानी की सतह पर आता है तो वो रिलीव हो जाता है, उसी तरह से इमोशंस भी जो है वो रिलीज हो जाते। जोशी साहब, आप अखे मुंबई को आमंत्रण दें कि उनके पास से जो ये प्रॉब्लम है उसको प्रेजेंट में लाके उसको रिलीज कर दें। तो आज और कल हमारा वर्कशॉप हो रहा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर अंधेरी ईस्ट में, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7506174480, या फिर हमारे वेबसाइट पे जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं www.santoshjoshi.com। लोगों का जितना दर्द कम कर सको वैसे ही पुण्य कमाओगे, लेकिन जोशी साहब आपने एक नया जो कि एक जरिया दे दिया है लोगों को, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस अमंग्स द पीपल, क्योंकि बहुत लोग तो इनफैक्ट पिछले जन्म में मानते ही नहीं है। सारे धर्म के लोग आते हैं उसमें, देखिए बिलीव, आप बिलीव करते हैं उसमें या ना करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक साइंटिफिक प्रोसेस, और साइंटिफिक प्रोसेस से हर एक को इससे निजात मिलती है, वेदर यू बिलीव इट ऑर नॉट। थैंक यू सो मच संतोष जोशी जी फॉर ज्वाइनिंग अस, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। Thank you. 91.1.